हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इसी को पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। और इसी को आप मॉडुलस ऑगमेंट फॉर्म भी कहते हैं। दैट मींस आपको क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा उसमें तीनों में से कोई भी फॉर्म पूछा जा सकता है। आपसे कहा जाएगा कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसको या तो आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में पूछा जाएगा, या तो आपको कहा जाएगा कि आप उसको पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के दिखाइए, या फिर आपसे कहा जाएगा कि आप उसका मॉडुलस ऑगमेंट फॉर्म लिख के दिखाइए। तो पढ़ते हैं कि क्या होता है। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जेड, जिसकी वैल्यू थी एक्स प्लस आई वाई। जब भी हमें इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें इन वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि जो भी एक्स की वैल्यू थी दैट इज आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। थीटा क्या है, आर क्या है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिर्फ क्या लेके चलना है कि जो भी एक्स है वो किसके बराबर है, वो आर कॉस थीटा के बराबर है, और जो भी वाई की वैल्यू है वो आर साइन थीटा के बराबर है। हमने एक्स और वाई को आर और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट तो कर लिया, बट हमें आर और थीटा की वैल्यू भी पता होनी चाहिए क्या है। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए मैंने जो भी माना हुआ है उसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दी गई है आप उसको स्क्वायर करिए। मैंने इक्वेशन वन का स्क्वायर किया, मैंने इक्वेशन टू का स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने पे जो भी आए आप उनका एडिशन कर दीजिए। चेक करते हैं क्या आ रहा है। जब मैंने पहली वाली इक्वेशन का स्क्वायर किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे क्या हो गया वाई स्क्वायर। सेकेंड वाली इक्वेशन का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स इक्वेशन वन और टू को स्क्वायर करके ऐड करने के बाद मुझे मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर कॉमन था, मैंने इसको बाहर लिख लिया, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल के अकॉर्डिंग अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा तो उसकी वैल्यू होती है वन। दैट मीन्स ये हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख दिया वन। तो दिस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जहां पे भी आर होगा हम उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपको याद होगा दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो भी आर होता है आर को हम क्या कहते हैं, आर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहते हैं। क्लियर, आप लिख सकते हो आर इज नोन एज अ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू मॉडुलस की वैल्यू के बराबर है। हमने आर की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, अब हम थीटा की वैल्यू पे आते हैं। अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालना है तो जो भी इक्वेशन टू आपको दी गई थी उसको इक्वेशन वन से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करके हम चेक करते हैं क्या मिल रहा है। जब मैंने इक्वेशन टू को ऊपर लिखा दैट मीन्स वाई की वैल्यू ऊपर हो गई, नीचे क्या आ गई एक्स की। इक्वेशन टू को मैंने वन से डिवाइड किया है, इक्वल्स टू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा। आर की वैल्यू से आर की वैल्यू कैंसिल हो गई और हमें पता है ये हो गया वाई अपॉन एक्स, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है टेन थीटा की। अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी थी तो टेन को मैंने दूसरे साइड ट्रांसफर किया तो ये हो गया टेन इनवर्स वैल्यू हो गई वाई अपॉन एक्स। दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। हम इसको क्या कहते हैं, जो भी हमारा थीटा आया है थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड। आप थीटा को आर्गुमेंट भी कह सकते हैं और आप थीटा को एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। अगर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका था ए आर जी। किसका ऑर्गूमेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्गूमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे जेड लिखा। अगर आपको उसको एम्पलीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा ए एम पी जेड। सो अगर मैं इक्वेशन ए में जाके वैल्यू पुट करूंगी तो मुझे जेड की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की जगह पे मैंने लिख दिया आर कॉस थीटा प्लस आई, और वाई की जगह पे मैंने लिख दिया आर साइन थीटा। आप दोनों से आर को कॉमन ले सकते हैं तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा।
और अगर कहीं पे भी cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं r e की पावर i थीटा। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? r e की पावर i थीटा के बराबर हो जाएगी, जहां पे r का मतलब होगा हमेशा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम उसको मॉडुलस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, और थीटा को हम आर्गुमेंट कहते हैं जहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी टेन इनवर्स वाई अपॉन। दिस इज द पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें जेड की वैल्यू दी गई थी 1 प्लस आई, और हमसे कहा गया है आपको इसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर मुझे इसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था तो हमने मान लिया 1 प्लस आई की वैल्यू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा के बराबर है, क्योंकि यही होता है इसका मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। आर आप बाहर कॉमन लेके लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, दोनों तरह से सेम आएगा। दोनों साइड को हम कंपेयर करते हैं। जब मैंने कंपेयर किया तो हमें आर कॉस थीटा की वैल्यू 1 के बराबर मिल गई। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ आई और आई को मैंने कंपेयर किया तो आर साइन थीटा की वैल्यू भी हमें 1 के बराबर मिल गई। फिर से मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके इक्वेशन 2 के स्क्वायर में मैंने ऐड किया तो हमें मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मैंने आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमें मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की हम वैल्यू 1 रख सकते हैं तो मुझे मिल गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। दैट मीन्स आर की वैल्यू हमें मिल गई अंडर रूट 2। पहली वैल्यू हमें आर की मिल गई। जब मुझे थीटा की वैल्यू निकालना था तो उसके लिए मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को डिवाइड किया तो 1 डिवाइड बाई 1। आर से आर की वैल्यू कैंसिल हो गई। दिस इज इक्वल टू 10 थीटा इज इक्वल टू 1, और हमें पता है 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। आप इसको पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, आप इसको 45 भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पाई बाई 4 का यूज किया है। जब आप दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4। दैट मीन्स हम आर और थीटा दोनों निकाल चुके हैं। अब हम इक्वेशन ए में आके वैल्यू को पुट करते हैं। इक्वेशन ए में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस आई इज इक्वल्स टू, आर को मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो आर की जगह हो जाएगा अंडर रूट 2। ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। दिस इज द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ 1 प्लस आई। ध्यान रखिएगा, आप बाद में ये मत करिएगा कि आप कॉस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू रख दीजिए। आपको लगेगा cos पाई बाई 4 की वैल्यू आपको आती है तो आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो ये फिर से 1 प्लस आई के फॉर्म में हो जाएगा, और हमें इसको 1 प्लस आई को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, इसलिए हम इसको एज इट इज cos पाई बाई 4 और i sin पाई बाई 4 के ही फॉर्म में छोड़ देंगे। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन।